आज हम क्लास नाइन्थ के सिविक्स बुक का पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं। आप सभी क्लास एट में भी पढ़े हैं सिविक्स, हम हिस्ट्री बुक का एक भाग है। एंड पहला चैप्टर डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, समकालीन में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, प्रजातंत्र किस तरह पूरे विश्व में स्प्रेड हुआ है, उस संदर्भ में क्लास नाइन्थ की सिविक्स बुक पढ़ते हैं। ओवर व्यू, इफ यू लुक एट ओवर व्यू, दिस बुक इज अबाउट डेमोक्रेसी। इन दिस फर्स्ट चैप्टर वी सी हाउ डेमोक्रेसी हैज एक्सप्लेन ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स टू मोर एंड मोर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। More than half of the independent countries in the world today are democracies. पिछले 100 साल में देखा जाए तो डेमोक्रेसी किस तरह विस्तार, किस तरह अपना जो प्रभाव डालते हुए पूरे कंट्री में फैल रहा है, और आज देश की हर कंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया। The expansion of democracy has not been smooth and straight. डेमोक्रेसी का बढ़ना फैलाव कोई आसान और साधारण सिद्धांत नहीं था। इट हैज बीन सेवरल अप्स एंड डाउन इन डिफरेंट कंट्रीज, इट स्टिल रिमेन्स अनस्टेबल एंड अनसर्टेन अचीवमेंट। डेमोक्रेसी का फैलाव में, डेमोक्रेसी के विस्तार में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे परेशानी, बहुत सारे स्ट्रगल भी करना पड़ा है। This chapter begins with different stories with the making and unmaking of democracy from different parts of the world. These stories are meant to. यहाँ इस कहानी में हम पढ़ते हैं इस डेमोक्रेसी, पहला चैप्टर डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, इसमें बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो किस तरह डेमोक्रेसी का विस्तार और फैलाव होता है। Those things you will see here in class 9th chapter first. आज हम लोग प्रजातंत्र में रहते हैं तो महसूस नहीं कर पाते हैं डेमोक्रेसी अगर नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनार्की, थियोक्रेसी, देर वेर रूलिंग वाज देर, बट मोनार्की किंगडम, मोनार्की रूल वाज वेरी डिफरेंट देन डेमोक्रेसी। देर वाज नो डिक्टेटरशिप लाइक मोनार्की किंग इज टू रूल डिक्टेटरशिप, वाट एवर ही डिसाइड हिज सन विल बिकम किंग एंड हिज नेफ्यू विल बिकम किंग, his relative only, his kinsman only became king. But in democracy, not like that. Democracy, everybody have the right, everybody can become a ruler. Because of that democracy, we have studied in class 8 that with the people, by the people, for the people. Democracy. Hamare liye hum log hain aur hum hain. So how we can understand by the two tales of democracy? Two tales of democracy. दो स्टोरी है यहाँ पर डेमोक्रेसी संदर्भ में, उससे लेकर हम लोग सीखेंगे डेमोक्रेसी किस तरह फैलाव हुआ है, विस्तार हुआ है, डेमोक्रेसी का किस तरह उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन हुआ है। आज हम डेमोक्रेसी में रहते हैं इसलिए महसूस नहीं कर पाते हैं। उन्हें आप पूछ के देखिए जिन्होंने डेमोक्रेसी को लाने में स्ट्रगल किए हैं, जिन्होंने डेमोक्रेसी के अलावा दूसरे शासन में रहे हैं, उन्हें अगर पूछेंगे तो किस तरह हुआ। बट बाय टू टेल्स हम वी कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रगल एंड द हाउ मच दे हैव स्ट्रगल टू अचीव, टू ब्रिंग, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। हियर रिटन हियर द वर्ड मैसेज गिवन बाय प्रेसिडेंट साल्वाडोर अलेंडे, उन्होंने यहाँ मैसेज दिया उसी की जो स्पीच का कुछ शब्दों के साथ यहाँ शुरू होता है। वर्कर्स ऑफ माई कंट्री, आई हैव फेथ इन चाइल्ड एंड इट्स फ्यूचर। कहते हैं मेरे मजदूर वर्कर्स भाइयों, मुझे विश्वास है चिली के ऊपर, चिली का भविष्य संदर्भ में, चिली के साथ क्या होगा या चिली का फ्यूचर कैसे होगा, मुझे विश्वास है। अदर मैन विल ओवरकम दिस
dark and bitter moment when treason seeks to prevail, keep in mind, much sooner than later, the great avenues will again be open, through which will pass free men to construct a better society. Long live Chile, long life live the people, long live the workers. कहते हैं अपने भाषण में, अपने स्पीच में, अपना जो संदेश था अपने मौत के पहले, ये संदेश वो दिए थे प्रेसिडेंट साल्वाडोर अलेंडे। चिली का घटना है, कई लोग चाइल्ड भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ वो अपने स्पीच में कहते, मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है, मैं विश्वास करता हूँ एक दिन आएगा और चिली का जो दुर्दशा या जो परिस्थिति है बदल जाएगा, डार्कनेस उजाले में परिवर्तन होगा और जो तकलीफ जो परेशानी हो रहा है सर सबसे हम नजात, सबसे हम उद्धार पाएंगे और यहाँ अच्छे समाज होगा और चिली के लोग लंबी उम्र 100 साल जिए, जैसे हम लोग आशीर्वाद देते उस तरह कहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए चिली बना रहे और यहाँ के लोग हमेशा के लिए स्वस्थ और अच्छे और जिंदे और सब लोग आगे बढ़ते रहे। ये कामना के साथ उन्होंने इस भाषण को समाप्त करते हैं, उसी कोट करके इस कहानी को भाई स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी संदर्भ में दीज आर माई लास्ट वर्ड्स, साल्वाडोर का ही लास्ट वर्ड था जो उन्होंने अपने भाषण में कहे थे। एंड आई एम सर्टन दैट माई सेक्रीफाइस विल नॉट बी इन वैन, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा जो कुर्बानी है, मेरा जो सेक्रीफाइस है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। नॉट बी इन वैन, I am certain that at the very least it will be a moral lesson that will punish felony, cowardice and treason. और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ जो डरपोक हैं, जो भागते हैं, जो हमेशा सामने नहीं आते हैं, ऐसे लोगों से treason, जो सताव ताड़ना सह करके लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए एक नैतिक शिक्षा होगी मेरी ये स्पीच, मेरी मौत। दीज आर सम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट स्पीच ऑफ साल्वाडोर अलेंडे, जिस तरह मैंने कहा ये उनका अंतिम स्पीच था जो उसमें से कुछ शब्दों को यहाँ पे लिखा गया है ऑल टुगेदर। हु हैज स्पोक, द प्रेसिडेंट ऑफ चिली और चाइल्ड, साल्वाडोर अलेंडे प्रोनाउंस एंड ही हुआ देन द प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड ए कंट्री इन साउथ अमेरिका, उन्होंने साउथ अमेरिका में जो चिली है देश वहाँ का प्रेसिडेंट थे। द स्पीच वॉज गिवेन ऑन द मॉर्निंग 11 सितंबर 1973, दिस स्पीच हैज बीन गिवेन 11 सितंबर 1973, द डे हिज गवर्नमेंट वॉज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री, और उस दिन उसी दिन जब अपना भाषण दे रहे थे उसी दिन की बात है जो वहाँ के मिलिट्री उनके शासन को तख्ता पलटी कर दिए थे। अलेंडे वॉज द फाउंडर लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली एंड लेड द पॉपुलर यूनिटी कोलेशन टू विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1973 में उनका तख्ता पलटी हुआ था। 1970 में उन्होंने कोलेशन गवर्नमेंट माने सब लोग मिल करके विजय हासिल किए थे। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट अलेंडे हैड टेकन सेवरल पॉलिसी डिसीजन टू हेल्प द पुअर, यहाँ पर हम देखते हैं उनके पीछे लोग पड़ गए। उस जमाने में जो लोग हुआ करते थे वहाँ के जो जमींदार जो हाई पोजीशन में रहते हैं उन लोग मिलिट्री एंड चर्च फादर्स ऐसे बहुत लोग जो थे ऊंचे पद पे, उन लोगों के साथ इनका सही वर्तमान, क्यों इन्होंने गरीबों के लिए काम करते थे। जब वे प्रेसिडेंट थे गरीबों के प्रति ज़्यादा ध्यान था, और यहाँ जो लिखा है कि गरीबों के लिए जिसके पास लैंड नहीं था, जिसके पास शिक्षा की नहीं थी, जिसके पास घर नहीं था, सभी के लिए अपना पॉलिसी में बना कर रखे थे। यहाँ तक जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए दूध की भी सप्लाई, वी कैन रीड हियर अलेंडे हैड टेकन सेवरल पॉलिसी डिसीजन टू हेल्प द पुअर एंड द वर्कर्स,
दिस इंक्लूड रिफॉर्म द एजुकेशनल सिस्टम, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को भी रिफॉर्म किए, फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन, फ्री में मिल्क मिल जाता था, एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस फार्मर्स, और जिसके पास जमीन नहीं थी और जिसके मन पे रोजगार या कुछ भी नहीं होता था उनके लिए जमीन का भी उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट करे। ही वॉज अपोज टू फॉरेन कंपनीज, और कंपनी को भी अपोज करते, फॉरेनर्स अगर आएंगे कंपनी बिठाएंगे तो वहाँ के लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, अगर उन लोग वहाँ के लोग अगर कुछ करते हैं तो क्या होता है, आमदनी उसी उन्हीं के लिए होता है, जब विदेश कंपनी आएगी तो फिर विदेश लोग ही पैसा लेकर चले जाएंगे, ये उनकी भावना है, इसलिए हमेशा विदेश कंपनी को भी अपोज करते थे। टेकिंग अवे नेचुरल रिसोर्स लाइक कॉपर फ्रॉम द कंट्री, और क्यों विदेश कंपनी को नफरत करते थे, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्स हुआ करता है अपने देश में चिली में, वो भी उन लोग ले जाते थे फ्रॉम द कंट्री। द लैंडलॉर्ड्स द रिच एंड द चर्च अपोज हिज पॉलिसी, लेकिन जो जमींदार लोग हुआ करते थे, जो चर्च के लीडर्स होते थे, उन लोग उनके पॉलिसी को पसंद नहीं करते थे। यू कैन अंडरस्टैंड हियर द टेल्स सालमेंडर, ही वॉज वेरी गुड रूलर इन चिली, ही हैज वन इन इलेक्शन 1970, हिज पार्टी नेम वॉज सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली, सोशलिस्ट पार्टी, एंड ही हैज एस्टैब्लिश या ही फॉर्म द गवर्नमेंट बाई कॉलेशन, यूनिटी ऑफ कॉलेशन, उनके शासन में बहुत से अच्छे काम कार्य किए, उनकी पॉलिसी में गरीब बच्चों के लिए दूध सप्लाई और लैंड लेस लोग के लिए जिसके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन देना और हर क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में रिफॉर्म लाना, ये सारे काम किए थे, लेकिन इनके साथ नहीं दिए चर्च लीडर्स और लैंड लॉर्ड लोग, उनको पसंद नहीं आए सर। अक्सर हुआ करता है जब कभी किसी अच्छे लीडर अगर कुछ अच्छे काम करने लगे तो उनके खिलाफ हो जाते हैं, आज भी इस तरह परिस्थिति हमें देखने को मिल जाता है। इन चेल आल्सो अपोज हिज गवर्नमेंट, उनके गवर्नमेंट को भी उन लोग नफरत करने लगे। 70 में जीत के, 1970 में जीत के आए, ओनली थ्री ईयर्स, विथ इन थ्री ईयर्स पीपल वेयर अपोज, पीपल मीन्स चर्च लीडर्स एंड लैंड लॉर्ड्स, दे वेर अपोजिंग देर हिज गवर्नमेंट आल्सो। मिल्ट्री कप ऑफ 1973, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सेप्टेम्बर 1973 द मिल्ट्री टूक ओवर द सीपोर्ट, द डिफेंस मिनिस्टर वॉज अरेस्टेड बाय द मिल्ट्री, और सुबह का वक्त था 1973 सेप्टेम्बर 11 को मिल्ट्री क्या किए, सबसे पहले आकर आक्रमण के सीपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिए, सीपोर्ट को, देन दे हैव अरेस्टेड डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस में वाई, बिकॉज ऑल मिल्ट्री कम्स अंडर हिम, सो फर्स्ट दे हैव अरेस्टेड हिम बाय द मिल्ट्री। वेन ही अराइव एट हिज ऑफिस द मिल्ट्री, जब वो अपने ऑफिस में आए, हु प्रेसिडेंट एलेंडे कमांडर आस्क्ड द प्रेसिडेंट टू रिजाइन, जब उन्होंने अपने ऑफिस में आए, पहले आकर सीपोर्ट को आक्रमण किया, अपने कब्जे में ले लिए और डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिए, और अब जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में आते हैं तो उन्हें कहते हैं कि अपने आप को अपने सरकारी से अपने पद से रिजाइन कर दीजिए, रिजाइन, यू हैव टू रिजाइन। एलेंडे रेफ्यूज टू रिजाइन, बट एलेंडे वॉज नॉट विलिंग, ही वॉज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सर्व द चिली पीपल और लीव द कंट्री, उन्होंने कहे कि नहीं आपको रिजाइन करना है और नहीं तो इस देश को छोड़ के जाना है। बट रियलाइजिंग द डेंजर टू द कंट्री एंड टू हिज लाइफ, ही एड्रेस द पुअर पीपल ऑन द रेडियो, पार्ट ऑफ विच हुई रेड इन द बिगनिंग, और जब उन्होंने इस चीज़ों को महसूस कर लिए, मिलिट्री आक्रमण किए हैं, हो सके उन्हें मार दिया जाएगा, देश के साथ जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है, जो खतरा मंडला रहा है उसे देखते हुए सालमेंडर ने अपना अंतिम स्पीच कुछ कहने का मन किया, रेडियो के माध्यम से उन्होंने अपना वो समझ रहे थे कि उनकी जान की खतरा है, देश के लिए भी खतरा है, उनका जान का भी खतरा है, उसकी बुक उन्होंने उस बातों को महसूस करते हुए पहला चैप्टर है अपने बातों को रखने के लिए लोगों के साथ है, अपना भाषण अपना स्पीच आज हम रेडियो के माध्यम से प्रचार करेंगे और उसी चीज़ों को हम लोग
एट द बिगिनिंग वी हैव रेड, शुरू में जो पढ़े थे, देन द मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट्स हाउस, देन मिलिट्रीज सराउंडेड द प्रेसिडेंट हाउस एंड एलेंडे डाइड द मिलिट्री अटैक, दे स्टार्टेड बम ब्लास्टिंग bombing if President Allende died in the military attack. This was the sacrifice he was talking about in his last speech. वो अपने last speech में कहते थे मेरी जान व्यर्थ नहीं जाएगी, मेरी जान जो जा रहा है ये देश के लिए, देश के हित के लिए है, और मुझे उम्मीद है कि जरूर दिन बदलेगा, चिली का जो डार्क पीरियड है ये दूर होगा. This was the sacrifice he was talking about in last speech by people was overthrown by the military through conspiracy and violence. और जो सरकार चुनी हुई सरकार थी और मिलिट्री शासन से और षड्यंत्र से गिरा दिया गया. What took place in Chile on 11 September 1973 was a military coup. General Augusto Pinochet pronounced Pinochet an army general led the coup. और जिन्होंने जिनके माध्यम से कप एक दल के नेता हैं जो अगस्तो पिनोशेट, उन्होंने लेड किए थे ये मिलिट्री कप को और हमला करके प्रेसिडेंट बम्बारी से उन्हें मार दिए थे. द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज अनहैप्पी विद द एलेंडेंस रूल, और अमेरिका भी खुश नहीं था और इसके लिए उन्होंने सपोर्ट भी किए ताकि वहाँ का शासन उन्हें पसंद नहीं था. एलेंडे जो भी कर रहे थे लोगों के लिए अच्छा था, गरीबों के लिए अच्छा था, पर उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आया, इस वजह से इस घटना यहाँ होता है. और इतना अच्छा जो रूलर शासक था चिली का, उनका अंत हो जाता है. रूली नॉन टू हैव सपोर्टेड एंड फंडेड एक्टिविटीज दैट लेड टू द कप, और इस जो कप को लीड किए थे और फंडेड जिन्होंने इसके लिए स्पॉन्सर किए थे, अमेरिका भी था उसके साथ. पिनोचेट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रूल्ड इट फॉर द नेक्स्ट 17 ईयर्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट दैट वॉज इलेक्टेड बाय द पीपुल. The power shifted to the military officers. They could do so they wished and no one could question them. Or Salvador Allende's rule was over, then who was leading the military coup? The man, General Augusto Pinochet, became the president or ruler of the Chile. And they have made policy, people cannot ask him any question, which and no one could question them. Thus a military dictatorship was established in Chile. Pinochet government tortured and killed several of those who supported Allende and those who wanted democracy to be restored. Aur inki jo shasan aaya Pinochet ka, inka shasan mein bahut satav taadana unko sahna pada, jinhone democracy ko dobara lana chahte the, जिन्होंने एलएनडी के सपोर्ट कर रहे थे, एलएनडी के सपोर्टर थे, उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव ये कर रहे थे. और कोई व्यक्ति सवाल नहीं पूछ सकते, कोई आज़ादी नहीं था, सरकार खिलाफ कोई सवाल पूछेगा तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगा. दिस इंक्लूडेड जनरल अल्बर्ट बचलेट ऑफ द चिलियन एयरफोर्स एंड मैनी अदर ऑफिसर्स हु रेफ्यूज टू ज्वाइन द कप, और बहुत सारे लोग थे जो जनरल अल्बर्टो बचलेट वो भी नकार दी थी उनके कप में ज्वाइन कर, मन उनके जो आर्मी फौज है उनमें शामिल होना नहीं चाहे, इसलिए उन्हें भी इस तरह का सताव से गुजरना पड़ा. जनरल बचलेट्स वाइफ एंड डॉटर्स वेयर पुट इन प्रिजन, उनके पत्नी को और डॉटर को, उनके लड़की को उन्हें प्रिजन में डाला गया, उनके साथ सताव ताड़ना उन्हें दिया गया. मोर देन 3,000 पीपल वेयर किल्ड बाय द मिलिट्री, और जो मिलिट्री शासन था 3,000 से भी ज़्यादा लोग का मौत हुआ था. मैनी मोर वेयर रिपोर्टेड मिसिंग, नो वन नोस व्हाट हैपेंड टू देम, और बहुत लोग मिसिंग लापता हो गए. इनकी जो शासन थी
यू कैन इमेजिन अगर पिनोसेट अगस्त पिनोस वाज रूल मिलिट्री वी कैन टेल दिस वन मिलिट्री रूल एंड मिलिट्री रूल पीपल कैन नॉट क्वेश्चन पीपल कैन नॉट स्ट्राइक कैन नॉट रेस वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कोई आवाज़ नहीं उठा सकते कोई खिलाफ नहीं कह सकते हैं उनके शासन जो कोई सपोर्टर थे एलएनडी के उनको सताओ ताड़ना दिया गया और जिन्होंने नकार दी उनके कप में ज्वाइन करने के लिए अलबर्टो उनको भी उनके पति उनके बच्चों मैंने उनकी बेटी और उनकी वाइफ को जेल में डाला गया उनके साथ ताड़ना और सताव दिया गया उस समय में इन्होंने मोर देन 3000 पीपल वर किल्ड बहुत 3000 से ज़्यादा लोग को मौत के घाट उतारे थे और बहुत लोग मिसिंग थे कहाँ गए लापता हो गए कोई सवाल नहीं पूछ सकते थे जस्ट इमेजिन द रूल ऑफ साल्वेडोर एलेंडे एंड स्पिनोसेट हाउ डिफरेंट डेमोक्रेसी रूलर एंड मिलिट्री रूल वाट द डिफरेंट बिटवीन बोथ यू मे अंडरस्टैंड दिस वन सो डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू फॉलो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड गो थ्रू इट एंड वी विल लुक आफ्टर इन सेकेंड पार्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग